तो यहाँ पे जो है ये सारे ट्रिगर पॉइंट्स हैं और उनकी जगह उनकी वजह से जो है ये जो था बाईस फेमरस का था और ये हमारे पास हमी टनस का जो पेन है कहाँ पे रेडिएट हुआ है ठीक है हाँ यहाँ पे कितना इसका पेन जो है रेडिएट हो रहा होता है अब देखो यहाँ पे जो है क्वारिस मसल्स की जब हम बात करते हैं उनमें कौन से ट्रिगर पॉइंट होते हैं तो यहाँ पे देखो वन टू जो है ये ट्रिगर पॉइंट है और इनका एरिया ऑफ रेफर्ड पेन जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो है कितना एरिया रेफर्ड पेन है तो ये रेफर्ड पेन की जो बता रहे हैं कि कहाँ पे रेफर्ड हो सकता है इन ट्रिगर पॉइंट का पेन अच्छा नेक्स्ट हम आप बात कर लेते हैं एक्टिव मोमेंट टेस्टिंग की क्योंकि हमारे पास जरा जब हम टेस्ट करते हैं किसी पार्ट को तो हम उसकी पहले क्या करते हैं एक्टिव मोमेंट टेस्टिंग करते हैं टू मेजर मोमेंट ऑफ द नी जॉइंट कौन सी होती है एक फ्लैगन होती है और एक एक्सटेंशन होती है ट्रांसफर एक्सिस पे और हमारे पास इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन भी हो रही होती है वर्टिकल एक्सिस पे उसको भी हम क्या कर रहे होते हैं टेस्ट करे होते हैं परफॉर्म कर रहे होते हैं जब आप कब करते टेस्ट करते हैं जब नी जो है नाइन्टी डिग्री फ्लैगजन में जाती है तो तब हम क्या करते हैं लेटर एंड मीडिया रोटेशन करवा रहे होते हैं तो जब हम कंप्लीट uh, करते हैं फुल रेंज ऑफ फ्लैगजन या फिर एक्सटेंशन तो टिबिया जो है वो द टिबिया मस्ट बी एबल टू रोटेट अब हम क्या करते हैं uh, हमारे पास जो क्विक जो कुछ फंक्शनल टेस्ट हैं वो हम यूज करते हैं ताकि हमें इस जॉइंट को क्लियर कर, क्लियर करें कि कोई ये पैथोलॉजी तो नहीं है तो इसलिए इफ द जॉइंट इफ द मोशन इज अ पेन फ्री तो हम उसको क्या करेंगे एंड रेंज पे जाके फिर एडिशनल प्रेशर देते हैं ताकि हमें जॉइंट को क्लियर कर सकें कि उसको ओवर प्रेशर देने से भी कोई पैथोलॉजी नहीं हुई तो ठीक है अगर पेशेंट पे एक्सपीरियंस कर रहा होता है पेन ड्यूरिंग एनी दीज मूमेंट चाहे वो इंटरनल रोटेशन एक्सटर्नल रोटेशन है या फिर आप लगे एक्सटेंशन एंड रेंज पे तो उसका मतलब हम वहां पे हम आप कंटिन्यू करेंगे कि एक्सप्लोर करेंगे वहां पे कोई एटियालॉजी पेन की एटियालॉजी क्या है टू हैल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है या नॉन कंटेक्टाइल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है उसको हम देखते हैं कि वो पेन की जो एटियालॉजी है वो क्या है उसके लिए हम क्या करते हैं पैसिव या फिर रेजिस्टिव टेस्टिंग करते हैं तो इस तरह हमें रूल आउट होता है कि पेन कहाँ से राइज हो रहा है और जो है इसकी एग्जैक्ट कॉज क्या है अब हमारे पास जो क्विक स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन ऑफ मोमेंट जो है हम वो यूज़ करें जैसे पेशेंट को पूछते हैं आ, जो पेशेंट को आज कर रहे होते हैं कि वो परफॉर्म करें फुल फ्लैट फुट फ्लैट फुट, फुट स्क्वाट या फिर हम उसको बोलते हैं कि वो रिटर्न करें इन टू द फुल एक्सटेंशन में आइए जिसलिए पेशेंट को जस्ट बोल रहे होते हो तो आपकी पेशेंट जो कर रहा है या नहीं कर रहा देन फ्लैजन ऑफ द नी जो है वो आप कैन भी परफॉर्म करवा सकते हो इन पोजिशन में और पेशेंट को बोल सकते हो कि अपना नी को बेंड करो टू वर्ड दिजर्न और रिटर्न करो लेग को टू वर्ड द टेबल तो ये सब जस्ट एक जनरली आप पेशेंट को पेशेंट की मूवमेंट चेक करने के लिए कुछ कमांड्स देते हो इस इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन के लिए आप जब जैसे मेजर करते हो तो पेशेंट को आप बोलते हो कि आप अपने टिबिया को मीडिली और और या फिर लेटरली टर्न टर्न करो जब आप सिटिंग पोजीशन पे हो और विद लेग जो होंगी डेंगलिंग ऑफ द एजेप्टेबल जब होंगी तो तब हम ये बोलते हैं कि आप मिडिल या फिर लेटरली साइड पे मूव करो देन हम इन एनाटॉमिकल स्ट्रेस स्टार्टिंग पोजीशन में होना चाहिए पेशेंट अब जो जब हमारे पास नी एक्सटेंडेड पोजिशन होता है लेटर लॉन्ग ट्यूबनल एक्सीज में बहुत फेमर और टिबिया दोनों जो है क्या होंगी फ्रंटल प्लान प्रेंट में होगी तो नॉर्मली ये यहाँ पे हमारे पास जो वो मीट हो रही होती है एट एन एंगल वन सेवेंटी डिग्री जो एंगल है उस पर मीट कर रही होती है अब फर्स्ट मोमेंट हमारे पास है फ्लेगेन अब फ्लेगन को आप कैसे परफॉर्म करवाते हो द बेस्ट पोजिशन फॉर द मेजरिंग द फ्लेगी इन इज अ प्रोन पोजिशन और इसके लिए पेशेंट जो है पेशेंट फुट जो होंगे वो अवर द एज ऑफ ट्रीटमेंट टेबल पे होंगे एज के बाहर होंगे और उसको हम पे कहेंगे इफ़ द रेटस फैमरस अपियर टू टू बी हैव शॉर्ट एंड तो हम क्या करेंगे पेशेंट को स्पाइन पोजिशन पर भी चेक कर सकते हैं ठीक है ये वाली फ्लैंग और इस तरह हम क्या करेंगे प्ले हम हम अपना जो हैंड है उसको रखेंगे डिजिटल इंटीरियर रिस्पेक्ट ऑफ द टिबिया एंड बिहाइंड द लेग और उस जो पेशेंट है उसकी लेग को बेंड करेंगे टू वर्ड द बटैक ठीक है एंड अपना हैंड जो है डिजिटल इंटीरियर रिस्पेक्ट ऑफ टिबिया रखेंगे और उसकी लेग को बेंड करेंगे

डिग्री होती है देन हम एक्सटेंशन की जब हम बात करते हैं तो एक्सटेंशन फुल एक्सटेंशन जो है अचीव uh, होती है वेन द पेशेंट इज इन प्लेस आई प्रोन आर प्रोन पोजिशन में भी स्वाइन पोजिशन में भी हो सकता है सॉरी ठीक है अब नॉर्मल जो नॉर्मल एंड फील जो होगी अब्रप्ट होगी फ्रम होगी बिकॉज टेंशन ऑफ द पोस्टीरियर कैप्सूल या फिर लेगा की वजह से जो है फ्रम एंड फील, फील हो सकती है या फिर अब्रप्ट फील हो सकती है नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन जो जो होती है डिग्री, जो है फ्लेग, डिग्री सॉरी जीरो डिग्री एक्सटेंशन होती है यहाँ पे अब हमारे पास मीडियन एंड एंडल रोटेशन अब हम मीडियम रोटेशन हम चेक कर रहे होते हैं द पेशेंट आइदर इन अ सीटिंग पोजिशन विद लेग डेंगलिंग ऑफ द एंड ऑफ टेबल आर इन प्रोन पोजिशन पे भी कर सकते हो जब नी जो है फ्लेक्स हो ठीक है अब हम अपना हैंड जो है वो प्लेस करके रखेंगे विद द डिजिटल पार्ट ऑफ द लेग प्रोक्सिमल टू तो द एंकल और रोटेट करेंगे टिबिया को फर्स्ट इन द द द मीडियल डायरेक्शन एंड 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 टू ऑफ अवेलेबल रेंज और फिर हम क्या करेंगे बैक टू द मिड लाइन लेके आएंगे और फिर क्या करेंगे उसको लेटरल डायरेक्शन में दोबारा लेके जाएंगे जितनी उसकी अवेलेबल रेंज है उसकी तरफ ठीक है पहले हमने इसको मीडियल की तरफ लेके गए फिर उसको वापस लेके आए नॉर्मल की तरफ फिर लेटर की तरफ लेके हमारे पास जो रेंज तक हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो है नॉर्मल एंड फील जो होगी एब्रप्ट होगी या फिर एंड फील होती है तो फ्रेम एंड फील ड्यू टू एलिगामेंटस जो है एंड फिल आपको मिल रही होती है एलिगामेंट्स की क्योंकि टाइटनेस की वजह से नॉर्मल रेंज होती है मीडियल रोटेशन की वो ट्वेंटी टू थर्टी डिग्री होती है और लेटर रोटेशन जो होती है वो थर्टी टू फोटी डिग्री होती है ये हमारे पास था मीडियल एंड लेटर रोटेशन अब हम बात करते हैं मोबिलिटी टेस्टिंग ऑफ एसेसरी मूवमेंट हमने सबसे पहले हमने पैसे मूवमेंट कर लिया एक्टिव मूवमेंट टेस्टिंग किया उसके बाद हमने एक करना है मोबिलिटी टेस्टिंग फॉर एसेसरी मोवमेंट मोबल टेस्टिंग एक्सेसरी मोमेंट जो है हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन uh, दे रहा होता है कि हमारी जो जॉइंट है वो कितने लेक्स lex, लेक्सिटी उनमें प्रेजेंट है ठीक है अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये है पैसिव फ्लगियन आप नी ये इसी पैसिव तरफिंग आप नहीं करवाते हो और ये देखो पैसिव पैसिंग एक्सटेंशन आप ये एक्सटेंशन करवा रहे नींद की और यहाँ पे आप देखो मीडियल रोटेशन लेटर रोटेशन और ट्रैक्शन या मीडियल रोटेशन और लेटर रोटेशन है अच्छा जब हम बात करते हैं एसेसरी मोमेंट की तो हम हमने जैसे ही जो एसेसरी मोमेंट है वो अब टेस्ट करनी होती है सचिन मूवमेंट जैसे हम पर पर टेस्ट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारे पास जो जॉइंट की इलेक्सिटी है वो कितनी है उसके हिसाब से हम देख रहे होते हैं पेशेंट मस्ट भी टोटली रिलैक्स होगा और कंफर्टेबल होगा तो ताकि हम उसके जो एलो करें उसके जॉइंट को वो कि वो इजीली मूव हो और हम ऑब्टेन uh, करें करेक्ट इन्फॉर्मेशन अब हमारे पास जो जॉइंट है वो वो हम प्लेस करेंगे इन मैक्सिमल लूज बैक पोजिशन में और लूज़ बैक पोजिशन वही रेस्टिंग पोजिशन होती है तो यहाँ पर हमारे पास जो होगी इसमें क्या होता है ताकि हम uh, जो रेस्टिंग पोजिशन होती है स्किनिंग की वो होता है ट्वेंटी डिग्री आप

टू बी टेस्ट ऑफ को जो जो हम टेस्ट करेंगे उसके हो जाएंगे खड़े होंगे और हम स्टेबलाइज करेंगे किसको सॉरी और फिर हम क्या करेंगे स्टेबलाइज करेंगे फिमर को बाई ग्रेफसिंग द डिजल मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द फिमर विद योर इंडेक्स फिंगर और जो हमारी जो इंडेक्स फिंगर होगी उससे हम क्या करेंगे उसको स्टेबलाइज रखेंगे और आ, और हमारा जो डिजिटल एंड ऑफ द टिबिया है उसको हम होल्ड करेंगे प्रोक्सिमल टू द मेडलेस फ्रॉम द मीडियल एक्सपैक्ट ठीक है और हम क्या करेंगे पुल करेंगे टिबिया को किस किस, किस डायरेक्शन में लांगिटूडल एक्सिस में ठीक है हम क्या करेंगे उसको जो है पुल करेंगे उसकी वजह से ट्रैक्शन होगी टिब्यो फेमुलर टिब्यो फेमुलर जो हमारे पास फेमुलर जॉइंट है फेमर और टिबिया का उस जॉइंट पे क्या होगी हो ट्रैक्शन होगी ये देखो इन्होंने कहाँ पे दिया है ये है ट्रैक्शन ऑफ द टिब्यो फेमुलर टेस्टिंग की गई है ठीक है ये, ये हमारे पास जो है ये आप देख रहे हो तो ये है अट्रैक्शन ऑफ द टिबिया फेबुलर जॉइंट मोबिलिटी टेस्टिंग देन हमारे पास वेंट्रल ग्लाइड ऑफ द टिबिया वेंट्रल ग्लाइड ऑफ द टिबिया जो है हम क्या करते हैं अब पेशेंट की पोजीशन जो होगी स्पाइन पोजीशन होगी नी जो होगा फ्लेक्स होगा अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री हम स्टैंड होंगे ऑन द साइड ऑफ द पेशेंट और हमारी जो बॉडी है फेस करेगी पेशेंट को और जो हम क्या ए, एक और पोजीशन में हम हम क्या करते हैं आ, हम जो अपनी पोजीशन इस तरह बनाते हैं कि जो हमारे जो बटक रीजन है वो पेशेंट की फुट पे स्टेबलाइज हो और हमारे जो हैंड है वो कहाँ पर हों टिबिया पे और हमारे जो थम हों वो वो रेस्ट करें ऑन द मीडियल एंड लैटर जॉइंट लाइन पे तो फिर हम क्या करेंगे पेलपेट करेंगे जॉइंट लाइन को और पुल करेंगे टिबिया को इन द इंटीरियर डायरेक्शन ताकि स्लैक जो है वो अपीयर हो हैज बीन टेकन प्लेस और हमारे पास जो है देयर इज इज दिस टेस्ट फॉर द इंटीरियर मोबिलिटी ऑफ द दल टिबियल जॉइंट सो बट आल्सो टेस्ट फॉर द द इंटीग्रिटी ऑफ लिगामेंट ये हमारे पास जो है एंटीरियर मोबिलिटी ऑफ टिबिया टिबियल जॉइंट के लिए भी ये टेस्ट है और किसके लिए एंटीरियर लिगामेंट के लिए और टेस्ट फॉर द इटीरियर क्वेश्चन लिखा इसको हम कहते हैं इंटीरियर टेस्ट, ठीक है और मीडियल रोटेशन ऑफ़ द टिबिया जो हम उसमें ऐड कर रहे होते हैं इसमें टू द इंटीरियर डाटा ताकि हम चेक करें रोटेशनल इंस्टेबिलिटी को तो अगर मीडियल रोटेशन जो है इंक्रीज द मीडल रोटेशन इंक्रीज द टेंशन इन द इंटैक्ट इंटैक्ट द पोस्टर लेटरल स्ट्रक्चर और um, अब जब मीडल रोटेशन इंक्रीज होती है जब अगर टेंशन जो है इंक्रीज द टेंशन हो रही होती है जब इंटैक्ट हो पोस्टीरियो लैटर स्ट्रक्चर और डिक्रीज द डिग्री ऑफ एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ठीक है और लैटर रोटेशन जो है वो इंक्रीज हो इंक्रीज कर रही होती है टेंशन इन द इंटैक्ट पोस्टीरियो मीडियल स्ट्रक्चर पे और डिक्रीज द इंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टिबिया ठीक है इवन द इंटीरियर इवन दियर चाहे वो कंप्रोमाइज हुआ, हुआ ये आप देख रहे हो इंटीरियर ड्राट टेस्ट है और इसके साथ इन्होंने ये किया मीडियल एंड

Uh, और हम प्लेस करते हैं अपने हैंड को अराउंड टिबिया सो दैट हील ऑफ योर हैंड जो कि रेस्टिंग ऑन द मीडियल एंड लेटरल टिबियल प्लाटी पे हो और फिंगर जो है रैप हो द मीडियल एंड लेटरल जॉइंट स्पेसेस में अब हम क्या करेंगे पुश करेंगे टिबिया को इन द पोस्टीरियर डायरेक्शन में और ताकि स्लैक है और हमारे पास जो है आ, बट यहाँ पे हम चेक क्योंकि तो मोबिलिटी दिस पोस्टर मोबिलिटी के लिए ये टेस्ट नहीं है बल्कि इसके अलावा और भी टेस्ट है फॉर द इंटीग्रिटी ऑफ द पोस्टिओक्रोशियड लिगामेंट फेमरो जॉइंट के लिए ये नहीं है बल्कि ये ये टेस्ट होता है फॉर द इंटीग्रिटी ऑफ दोस्ट्रेशियड के लिए भी हम ये यूज कर रहे होते हैं दिस टेस्ट जो है इज फॉर द पोस्ट्रोशियड लिगामेंट इसको इसलिए हम कहते हैं पोस्टर डाटा या आर द ग्रेविटी टेस्ट

इसमें रोटेशनल मोबिलिटी भी ऐड कर देती हूँ अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास मीडियम एंड लैटर गैपिंग टेस्ट मीडियल लेटर का गैपिंग टेस्ट इसमें पेशेंट की पोजीशन जो है स्पाइन होगी और हम स्टेन करेंगे ऑन द साइड ऑफ द टेबल और फेस फेस द पेशेंट और पेशेंट हाँ होल्ड करके रखेंगे हम पेशेंट का एंकल को बिटवीन अपनी हमारी जो एल्बो होगी और ट्रंक के दरमियान ताकि हम सिक्योर करें लेग को और हम आ, extend, और हमारा जो एक्सटेंडेड आर्म होगी वो अप्रोक्सिमेटली होगा टू द जॉइंट स्पेस uh, पे ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द नी और फिर हम एलो कर रहे होते हैं ताकि हम उस जगह को वेलपेट करें और हम दूसरा हैंड जो है वो हम रखेंगे डिजिटल टू द डिजिटल डिजिटल लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द पेशेंट फीमर पे ताकि जो है स्टेबलाइजिंग ताकि वो स्टेबलाइजिंग फोर्स दे और फिर क्या करेंगे हम एलो करेंगे पेशेंट को कि वो जो अपनी जो नी है उसको फ्लैक्स करें अप्रोक्सीमेटली थर्टी डिग्री

नॉन नॉर्मल एब्रप्ट और फिल्म इन फील्ड ठीक है तो इसको लिगामेंट से इनफील होती हैं अगर हमें इंक्रीज गैप गैपिंग होगी होगा तो डिफरेंशिएट एंड फील मिले या फिर कलंक मिले जो तो जैसे आप रिलीज करते हो तो यहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि यहाँ पे जो इंट्रीग्रिडिटी है जॉइंट की ज, ज, जो जॉइंट में इंट्रीडिटी या किसकी मीडियल कोलाइटर लिगामेंट की वो लॉस हुई हुई है और हम क्या करते हैं ये प्रोसीजर जो है वो पेशेंट को को रिपीट कर देते हैं इनकी एक्सटेंशन में अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव फाइंडिंग मिले इन बोथ फ्लैग या एक्सटेंशन में तो इसका मतलब है इन्वॉल्वमेंट हुई है पोस्टीरियर कुलशेट लिगामेंट की इन एडिशन टू द मीडियल को लिगामेंट और जो हम सस्पेक्ट कर रहे हैं उसके साथ ठीक है और टेस्ट अब हम लेटर को लेटर लिगामेंट की इंटीग्रिटी करने के लिए हम ये सेम चीज़ कर रहे होते हैं बट हम क्या क्या करते हैं अपने हैंड की पोजीशनिंग जो है उसको थोड़ा सा

जस्ट प्रोजिमल टू देंट लाइन जॉय लाइन से थोड़ा पहले होगी योर हैंड जो होगी शुड शी आन द प्रोक्सिमल लेटर पार्ट ऑफ द टीबिया जस्ट डिटल टू द जॉइंट लाइन ठीक है हम यूज़ करेंगे मोबिलाइजिंग हैंड ताकि पुश करके रखें इन अ मीडियल डायरेक्शन स्लैक हैज़ बिन टेकन अप और हम यहाँ पे जो है फ्रिम और अब्रप्ट और फ्रिम एंड फील महसूस करेंगे तो उसको कहते हैं लिगामेंटस एंड फील ठीक है और दिस टेस्ट हम यूज़ कर रहे होते हैं फॉर द नॉर्मल मोबिलिटी ऑफ द मोबिलिटी ऑफ द मीडियल ग्लाइड ऑफ द टिबिया और टेस्टिंग द नॉर्मल मोबिलिटी ऑफ द लेटल ग्लाइड वो भी हम इसी तरीके से कर रहे होते हैं अगर हम क्या करते हैं जस्ट अपने हैंड को रिवर्स डायरेक्शन में प्लेस करते हैं ठीक है वो जो है हमारे पास ये है मिडिल ग्लाइड फॉर मोबिलिटी टेस्टिंग और ये जो है हमारे पास लेटर ग्लाइड है किसकी टीबिया की फॉर द मोबिलिटी टेस्टिंग ठीक है अब जस्ट आपने हैंड की डायरेक्शन चेंज कर दी नेक्स्ट है हमारे पास अब हम देखते हैं पटेला की हाँ मोबिलिटी पर पटेला की मोबिलिटी चेक करने के लिए जो है हम पेशेंट को स्पाइन पोजीशन में रखते हैं विद स्मॉल टॉवल जो है वो प्लेस करके रखते हैं अंडर नी ताकि अवॉइड करें फुल एक्सटेंशन को स्ट्रेन होंगे ऑन द साइड ऑफ द टेबल और फेसिंग द पेशेंट करेंगे फेस फेस पेशेंट को करेंगे विद बोथ हैंड जो होंगे वो ग्रैप करेगा पटेला को बिलो बिटवीन द थम और इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के दरमियान हम क्या करेंगे पटेला को ग्रैप करेंगे और डिस्ट्रैक्टिंग डिस्ट्रैक्ट करेंगे पटेला को बाई लिफ्टिंग इट अवे फ्रॉम द फीमर एक और स्टैंड सो दैट द यू फेसिंग द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द पेशेंट और एक्सट्रीमिटी हम फिर क्या करेंगे प्लेस करेंगे योर एक्सटेंडेड थम ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द पटेला और पुश करेंगे थम को सामिल टेनिस्ट इन द मीडल डायरेक्शन और दिस विल क्रिएट अडल ग्लाइड ऑफ द पटेला ठीक है और इसी तरह आपको लेटर ग्लाइड जब देते हो तो क्या करते हो इसको आप जब करोगे हम प्लेस करेंगे अपने हैंड को ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द पटेला और पटेला को क्या करोगे मूव करोगे अप्रोक्सीमेटली वन हाफ इट्स विथ इन विथ बोथ मीडियल एंड लैटरल ग्लाइड इन एक्सटेंशन और फिर क्या करोगे लैटरल ग्लाइड जो है वो ग्लाइड इज टू परफॉर्म हम लैटरल ग्लाइड जो है इजी इजी टू परफॉर्म हैज अ ग्रेटर एक्सर्शन आन दी लेकिन ग्रेटर एक्सर्शन मिलेगी हमें एक मीडियल ग्लाइड पे और इंफीरियर ग्लाइड जो है वो हम क्या करेंगे कम्प्लिश करेंगे हम क्या करते हैं अपना जो हम टर्न होंगे टू uh, द um, हमारा जो फेस होगा वो कहाँ पर होगा टू द पेशेंट लेफीड की तरफ होगा ना तो फिर हम क्या करेंगे प्ले, हैंड प्लेस करेंगे हैंड प्लेस हैंड को वन हैंड को प्लेस करेंगे एक्सपीरियर कोल ऑफ द पटेला और फिर हमें आर्म को क्या क्या करेंगे रेस्ट करेंगे आन द पेशेंट की थाई के ऊपर और हम क्या करें अदर हैंड जो है वो कहाँ पे रखेंगे उसी हैंड के ऊपर रखेंगे और फर्स्ट हैंड क्या करेंगे पुश करेगा इंफीरियर यानी क्यूरल डायरेक्शन में करेगा तो इस तरह हम इंफीरियर मोबिलिटी ऑफ द पटेला चेक करेंगे इट इज ये इंपॉर्टेंट है कि नॉट टू क्रिएट एनी कम्प्रेसिव फोर्स टू द दटेला ड्यूरिंग द ग्लाइड तो हमने कंप्रेसि फोर्सेज नहीं देनी तो ये आप देख लो ये जो है हमारे पास सॉरी ये ये जो है ये आपकी जो है ये डिस्ट्रक्शन ऑफ द पटेला है और ये हमारे पास मीडियल ग्लाइड ऑफ द पटेला है और ये इन्फीरियर ग्लाइड ऑफ द पटेला है और ये क्या है हमारे पास लैटर ग्लाइड ऑफ द पटेला है ठीक है अच्छा अब हम नेक्स्ट चलते हैं

वो उनकी एफिशिएंसी वो एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी ठीक है पोजीशन ऑफ द पेशेंट क्या होगी प्रोन पोजीशन होगी हिप जो होगी इन न्यूट्रल पोजीशन में है रजिस्ट्री uh, टेस्ट क्या होगी पेशेंट को आज बोलेंगे कि बेंड करें नींद को सो दैट बेंड द नी सो एज टू ब्रिंग द हील टू वर्ड द बटैक और हम क्या करेंगे रिजिस्टिंग मोवमेंट जो है प्लेस करेंगे वन हैंड से पोस्टियरली द एंकल जॉइंट पे और स्टेबलाइज करेंगे पेशेंट की थाई को डाउनवर्ड विद द अदर हैंड और हम क्या करेंगे यहाँ पे नोट करेंगे मीडियल एंड लेटरल हेमस्ट्रिक जो है हम क्या करेंगे आइसोलेटिवली आइसोलेटिवली हम um, टेस्ट कर रहे होते हैं बाय रोटेटिंग द थाई इनटू लेटरल मीडियली या फिर हम क्या करेंगे um, um, हम क्या करते हैं मीडियल को चेक करने के लिए और हम करेंगे लेटरल तो को चेक करने के लिए तो हम ये इस तरह आइसोलेट करके इनको चेक कर रहे होते हैं अब टेस्टिंग द नी विद द ग्रेविटी एलिमिनेटेड हम क्या करेंगे परफॉर्म करेंगे सेम मेनर में लेकिन पेशेंट जो होगी वो साइड लाइन में होगा ठीक है और पेनफुल रेजिस्टेंट एनी रेजिटेंट जो है वो भी वो स्ट्रिक होता है ड्यू टू टूटस हो अगर मसल्स में या फिर मसल जो जो है वो, muscle of the sinus, जो है वो मसल ऑफ द उनमें मसलस हुआ हुआ है या फिर पॉपुलेटियल सिस्ट है जिसको ब्रेकर सिस्ट कहते हैं वो वो अगर है तो उसकी वजह से पेन हो रहा होता है ड्यूरिंग नी फ्लैगन में ठीक है ये आप दे रहे हो प्राइमरी हमारे पास नी जो है ये सेमी मेमन है ये सेमी है, है और ये बेसप फेमरस है तो ये आप देख रहे हो नी की फ्लैक्जन को टेस्ट करने के लिए ये पोजिशन है ठीक हो गया अगर नी की नी के फ्लैक् जो है वो वीकनेस ऑफ द नी फ्लैक् जो है रिजल्ट इन द एब नॉर्मल गेट ऑबियसली एबनॉर्मल गेट होगी हाइपर एक्सटेंशन डिफॉर्मिटी ऑफ द नी जो है मे रिजल्ट फ्रॉम द लेक ऑफ डायनेमिक स्टेबिलिटी ठीक है और आइसोलेटेड वीकनेस ऑफ द मीडियल वीकनेस है तो उसकी वजह से नी स्टेबिलिटी होगी ऑन द सेम साइड ऑफ द जॉइंट एज वीकनेस फॉर एग्जांपल वीकनेस ऑफ द दिटल हेमस्टिंग जो है वो काज होकर होते हैं टेंडेंसी टू वर्ड टू वर्ड वेरस डिफॉर्मिटी ऑफ द नी

रेजिस्टेंस हम कैसे देंगे पेशेंट जो है रजिस्ट uh, कैसे कहेंगे पेशेंट को बोलेंगे कि आप वो एलो पेशेंट को कहेंगे कि वो एक्सटेंड करें नहीं को हम क्या करेंगे वाइल हम क्या करेंगे अप्लाई करेंगे डाउनवर्ड अप्लाई प्रेशर विद योर हैंड फ्रॉम द अबव एंकर और अब जो है हमारे पास जो है टेस्टिंग हम क्या टेस्ट कर रहे होते हैं नी के एक्सटेंशन को कर रहे होते हैं जब ग्रेविटी एलिमिनेटेड पोजीशन में तो हम परफॉर्म करेंगे पेशेंट को पेशेंट पेशेंट क्या करेगा लाइंग होगा ऑन द साइड और ये हम क्या करते हैं नी की इनिशियली निचली निचली क्या होगा पेशेंट नी बेंड होगा और फिर क्या करेंगे हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो क्या करे एक्सटेंड करें, करें नी को इन अ रेस्टिंग जो टेबल है उसके ऊपर जो है वो रेस्टिंग टेबल पर कोशिश करे कि वो एक्सटेंड करे तो ये हमारे पास साइड लाइन पेशेंट जो है साइड लाइन पे होगा और बैंड करके रखेगा नी को और उसको आप एक्सटेंड करवाते हो ये हमारे पास ग्रेविटी ये एलिमिनेटेड पोजिशन है और फिर पेनफुल अगर रजिस्टेड नी एक्सटेंशन जो है वो भी इसलिए होती है क्योंकि या तो पटेलर टर्नाइटस होगा जिसको जंपर नहीं कहते हैं उसकी वजह से या फिर डिसऑर्डर डिस पटेलो फेमरल जॉइंट का डिसऑर्डर है ये भी पेन आंसू पेनफुल होता है अगर आपकी आप नी एक्सटेंशन जो है वो आप अटेस्ट करते हो तो या फिर आपको एक्सट्रीम फ्लैगजन में जो है पेन मिल रहा होता है पोजीशन जो है वो इन पोजीशन में क्या होता है फोर्स जो है विद इन दटेल फेमल जॉइंट में आ रही होती है ये प्राइमरी एक्सटेंसर जो है नी के यहाँ कर रहा होता है नी जॉइंट को।, को ठीक है अगर आपके नी के एक्सटेंसर में वीकनेस है वीकनेस हो तो वो डिफिकल्टी होती है इन गेटिंग आउट ऑफ द चेयर Climbing steer, walking up in, uh, in climate, जब आप वा करते हो तब प्रॉब्लम होती है तो अब नॉर्मल जो गेट है वो आपकी मिल सकती है ये आपकी जो पोजीशन है वो ये होगी आप इस तरह उसको रिजिस्टेंट टेस्ट करते हो रिजिस्टेंस देते हो और जब ग्रेविटी एलिमिनेटेड लिमिनेटेड पोजिशन होगी तो वो ये होगी आप देखो इसको आपने क्या किया हुआ इसको बेंड किया हुआ बेंड किया आपने क्या किया बेंड किया देन फिर एक्सटेंशन करवानी है इसको ठीक है ये स्लाइड करेगा किस पे इस पे टेबल पे अब हमारे पास है रोटेशन मीडियल हैमस्ट्रिंग स्टार्टोरियस और ग्रेसैलस और इनपोपलीटियस मसल जो है वो क्या है हमारे पास मीडियल रोटेटर हैं वो क्या कार्य होते हैं हमारे पास हाँ ये क्या करते हैं मीडियल रोटेटर रोटेशन करवा रहे होते हैं टिबिया की और ये रोटेशन अगर हो होती है इन नी जॉइंट पे इन अनलॉक फॉर्म में इन एक्सट्रीम पोजीशन ड्यूरिंग द इनिशिएशन ऑफ द नी फ्लेक्जन

और हमारे पास जो है, uh, है तो उसमें सबसे पहले हमारे पास मोटर टेस्टिंग में हमारे पास आते हैं मोमेंट्स विदोटो मोवेंट्स है और मायोट है उनके साथ उनके नर्वेशन एंड रूट वैल्यू उसके बारे में बात करते हैं आ, सबसे पहले जो नी के फ्लैक्स हैं उनमें हमारे पास बाइसफ एमरस है सेमी टेनोसिस सेमी मेमरिनोसिस ठीक है उसके साथ गेरेलस हैं सैटोरियस है जो फाइव बाइसफ है ठीक है और जो सेमी टेनोसिस है उसको जो है शैटिक नाप सप्लाईकारी होती है और इसकी रूट वैल्यू है दोनों की रूट वैल्यू एस एल फाइव एस वन एस टू और सेमी मेमरिनोसिस जो है उसको शाटिक नाफ सप्लाई करी है लेकिन उसकी रूट वैल्यू है एस एल फाइव और एस वन ठीक है और इस तरह गेरेलस को जो सप्लाई करी होती है वो अब है जिसकी रूट वैल्यू एल टू एल थ्री ठीक हो गया और इस तरह सटोरियस को जो सप्लाई करी होती है वो है फेमरल नाव उनकी रूट वैल्यू एल टू एंड एल थ्री पॉपलीटियस को जो नाव सप्लाई कर रही होती है वो टिबियल नाव है उसकी रूट वैल्यू एल फोर एल फाइव एंड एस वन एंड देन गेस्टो को जो सप्लाई करी होती है वो भी टिबियल नाव है वो उसकी रूट वैल्यू एस वन एन एस टू

वो है हमारे पास बाइसेप फेमरस वो उसको सप्लाई करिए रही है जिसकी रूट वैल्यू है एल फाइव एस वन एस टू ये हमारे पास रूट वैल्यू है इसकी अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास ये हमने मोटर पढ़ लिया अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्सेस रिफ्लेक्सेस में हमारे पास जो है नी रिफ्लेक्स और होता है कौन सा हैमस्ट्रिंग रिफ्लेक्स दोनों रिफ्लेक्स अनी रिफ्लेक्स जो है वो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं टू द टेस्ट ताकि हम टेस्ट करें एल थ्री और एल फोर नव रोड को एल थ्री और एल फोर नव रोट को ताकि टू तो टेस्ट नी जर्ग हम क्या करेंगे पेशेंट को स्पाइन पोजिशन में लेके जाएंगे एलिवेट द लेग को हम रखेंगे बिहाइंड द नी एलिवेट द लेग बिहाइंड द नी विद वन हैंड सो दैट इट फ्लैक्स अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी टू थर्टी डिग्री ताकि वो क्या हो ट्वेंटी टू थर्टी डिग्री फ्लैक्स हो टेबल हम क्या करते हैं कंट्रेक्शन देख रहे होते हैं परफॉर्म दिल टू ताकि हम क्या करें करें ज्यादा तो नहीं हाइपर रिफ्लेक्सिया थोड़ी रिफ्लेक्सिया थोड़ी

तो उसके लिए जो पेशेंट जो है वो प्रोन होगा विद नी फ्लैक्सड और एंड द लेग जो होगी सपोर्टेड होगी प्लेस योर थम अवर द मीडियल आ, मीडियल द पे रखेंगी टैप योर थम विद रिफ्लेक्स हेम्बर लुक फॉर द दशन ऑफ द हेमस्टिंग मसल एक्सैबिट बाई द नी फ्लैग और हम कंपेयर करेंगे बोथ साइड्स को ठीक है तो इसके लिए जो है इसकी पोजिशनिंग आप देख रहे हो किसकी है पोजिशनिंग की हुई है इन्होंने किसकी पोजिशन ऑफ द

तो उसके लिए एंटीरियर हमारे पास जो है वो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ नी जो होंगे L2, L3 होंगे और जो है होंगे इस तरह हम जो डिफरेंट जो है वो डरमाटो है वो देख रहे होते हैं कि कौन कौन सी पैरफ्रेल नर्व जो है उसके अकॉर्डिंग जो है वो कौन सी पैरफ्रेल नर्व जो है किस रीजन में जो है सेंसेशन प्रोवाइड तो ये हमारे पास जो है हैं किसके आ, इन द रीजन ऑफ द नी तो हमारे पास सेंसरी एरिया ऑफ एल थ्री जो होता है वो होता है मीडियल टू द दटेल मीडियल टू द पटेला ठीक है सेंसरी एरिया जो है वो कहाँ पे है एल थ्री का मीडिया टू द मीडियल टू द पटेला पटेला के ये हमारे पास मीडियल टू द पटेला है और की सेंसरी एरिया जो होगा वो फिर होता है दिदे दिदे फोसा और की सेंचुरी एरिया ऑफ एस वन जो होता है वो होता है लोग एस वन है ठीक है और इस तरह जो है एस एल फाइव जो है आप यहाँ पे देख रहे होते हो

और इसके साथ आपको देख रहे हो ये लेटर को टेनिस नफ थाए हैं और ये मीडल था इसके ठीक है ये हमारे पास मीडियल मीडल को फोरम है और ये पोस्टीरियर थाए है और ये सेफेनाइड में नव है येड में नव है ये लेटर को टेनिस काफ है और ये भी जो है हमारे पास लेटर को टेनिस काफ है ठीक है और ये सुपरफिशियल नर्व है ये जो है डिस्कडिनियस सप्लायर अवर द एंटी एम्पुशियस फैक्टर लगन था है ये हमारे पास जो थी सेंसेशन थी देन हमारे पास इंफ्रापटेलर नर्व इंजरी इंफ्रापटेलर जो है ब्रांच है किसकी इंफ्रापटेलर ब्रांच ऑफ स्पिनस नर्व जो है वो वो क्या होते हैं कट हो रही होती ड्यूरिंग सर्जरी ऑफ द नी या फिर टिनल टेस्ट साइन जो है मे बी ऑब्टेन बाय टैपिंग ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द टीपीएल टिबरकल पॉजिटिव या पे आपको मिल रही होती है उसमें रिस्पॉन्सेंट हमारे, हमारे पास पेन आता है नी एरिया का वो शायद कहीं से भी आ सकता है वो एंकल in है नी है वहां से आ सकता है तो इसलिए जो है हमारे पास जो आपको नी का पेन जो है वो, अगर वो रेफर है वो यूजुअली हमें मीडियल साइड पे फेल्ट होता है लेकिन in, L3, L4, जो हमारे पास रेडिकुलोपैथी है उसकी वजह से भी हमें लंबर में पेन सॉरी नी में पेन आ सकता है